नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जारी किए गए अप्रेंटिस के पदों से संबंधित जानकारी। ये एक रिमाइंडर वीडियो है, अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो इस वीडियो में इस वीडियो को देखकर डिटेल जानकारी के बाद में आवेदन जरूर कर दें, क्योंकि आज अंतिम तिथि होने जा रही है। तो दोस्तों, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे के द्वारा RRC NWR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 के तहत 1791 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नईकल की। तो यहाँ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जारी किया गया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है, यानी 10 दिसंबर 2024 है। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन किए जा सकते हैं 1791 पदों के लिए। अप्रेंटिस के इन पदों पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। 50% जो है आपके मार्क्स, मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के मार्क्स को शामिल किया जाएगा, और ITI के मार्क्स को भी यहाँ पर 50% शामिल किया जाएगा। फाइनल मेरिट जो है डिवीजन वाइज, यूनिट वाइज और कैटेगरी वाइज तैयार की जाएगी। जिन डिवीज़न में आप अप्लाई कर सकते हैं, डिवीज़नल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, BTC कैरेज अजमेर, और लोको BTC अजमेर, बीकानेर कैरेज वर्कशॉप और जोधपुर में अप्लाई किए जा सकते हैं अप्रेंटिस के इन पदों के लिए। यहाँ जो प्रमुख ट्रेड हैं उनमें इलेक्ट्रीशियन के टोटल पद हैं 40, पावर में 30 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन TRD में 50 पद हैं, कारपेंटर इंजीनियर में 25 पद हैं, पेंटर के 20 हैं, मैसन के हैं 30, पाइप फिटर के हैं 20, फिटर के हैं CNW में 50, कारपेंटर मैकेनिक के 25, डीजल मैकेनिक के 150 हैं। टोटल 440 पद हैं। ये पद हैं अजमेर के अंतर्गत, DRM ऑफिस अजमेर। इसके अतिरिक्त बीकानेर में जो टोटल पद यहाँ पर दिए गए हैं आप देखेंगे 482 हैं। जयपुर DMR ऑफिस में है टोटल पद 532, DMR जोधपुर ऑफिस में है टोटल पद हैं 67, और BTC कैरेज अजमेर में है टोटल पद हैं 70। इसी तरह इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में 29 हैं, लोको BTC अजमेर में है टोटल पदों की संख्या 69, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर में टोटल पदों की संख्या 32 है, इसी तरह कैरेज वर्कशॉप जोधपुर में टोटल पदों की संख्या है 70। तो इस तरह से इन पदों के लिए आप अपनी ट्रेड वाइज, जिसमें आपने ITI सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, उसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं 12 दिसंबर माफ़ कीजिए 10 दिसंबर 2024 यानी आज तक। एलिजिबिलिटी, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए और आवेदक की आयु सीमा 15 साल उसने कंप्लीट कर ली होनी चाहिए। साथ ही अधिकतम आयु सीमा यहाँ 24 साल रखी गई है। आयु की गणना 10 दिसंबर 2024 यानी अंतिम तिथि अप्लाई करने की के दिन यहाँ पर जो है वो डिटरमिन की जाएगी। अपर एज में 5 साल का SC ST को, 3 साल का OBC को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, PWD को 10 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10वीं, 50% अंकों के साथ पास की होनी चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट आवेदक ने हासिल किया होना चाहिए। किसी भी नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। फीस जो होगी यहाँ पर 100 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस पेमेंट करनी है अनरिजर्व OBC EWS को, जबकि SC ST PWD वर्ग को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। एक बार फीस पेमेंट करने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, यानी नॉन रिफंडेबल फीस ये होगी। तो अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको RRCjaipur.in पर जाना है। वहाँ जाएंगे तो उस पर आपको क्लिक करना होगा, और जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का जो पेज है वो ओपन होगा। यहाँ महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको दिखाई देंगी, और यहाँ आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट का जेंडर, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी हैं वो यहाँ पर आपको दे देना है। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की यहाँ पर दे देनी है। कैलेंडर का इस्तेमाल करके आपकी एज यहाँ पर आ जाएगी। कैटेगरी SC ST OBC जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर डिसेबल एबिलिटी स्टेटस यस नो में सेलेक्ट कर लेना है, एक्स सर्विसमैन यस नो में सेलेक्ट कर लेना है,
आर यू ई डब्ल्यू एस, अगर ई डब्ल्यू एस है यस नो में आंसर करना है। एग्ज़ाम किस बोर्ड से आपने किया है उसका पासिंग ईयर यहाँ दे देना है, और मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर, 10वीं का रोल नंबर, ईमेल आईडी उसे कंफर्म कर देना, मोबाइल नंबर उसे कंफर्म कर देना है, पासवर्ड यहाँ बना लेना उसे कंफर्म कर देना है, और सिक्योरिटी कैप्चा को यहाँ डाल देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन बटन पर जाना है। यहाँ आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, या ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी लॉगिन कर देंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो दे देंगे, और दिए गए कैप्चा को यहाँ डालकर लॉगिन कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आरआरसी एनडब्ल्यूआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत 1791 पदों के लिए अपने ट्रेड वाइज, जिसमें आपने आईटीआई सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, उस ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। आज अंतिम तिथि है आवेदन करने की, इसलिए आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दी से जल्दी शाम 6 बजे से पहले पहले ज़रूर सबमिट करा दें, फीस और एप्लीकेशन दोनों को। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी नई लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।